के सामने खड़े हैं और मैंने यहाँ विज़िट किया, सारे लोग मुतमईन हैं। मैं पुरुमीन हूँ कि जिस तरह पुलिस, लेवीज, एफसी, आर्मी मिलके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहे हैं, चैलेंजेस के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, बहुत सारे खतरात के बावजूद, हम आज की पोलिंग का टाइम अच्छे तरीके से पीसफुली, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कराएंगे। और इस वक्त मैं यहाँ काफ़ी पोलिंग एजेंट से भी मिला हूँ, वो भी मुतमईन हैं इंतज़ाम से। अब हम मज़ीद और इलाकों में जाके जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं उनको रिव्यू करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन करेंगे और उस लिहाज से अगर कोई कमी बेशी नज़र आई तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ और मैं पुरुमीद हूँ कि बलूचिस्तान में मुश्किलात के बावजूद इलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा और लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। सर, मोबाइल सर्विस के हवाले से बताइएगा कि मोबाइल सर्विस आज बंद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर खुली होती तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इलेक्शन। मोबाइल सर्विस बहुत जल्द खुल जाएगी और हर जगह नहीं बंद हुई, जहाँ जहाँ कोई इस तरह की चीज़ थी जिसकी वजह से बंद करना पड़ा तो वो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि मोबाइल और इंटरनेट बहुत जल्द खोले जाएं, ताकि क्योंकि रिजल्ट्स भी उससे कन्वे होंगे। तो हम कोशिश करें कि सिक्योरिटी के इंतजाम करते वक्त लोगों के लिए कम से कम इनकन्वीनियंस हो।